राधे राधे गुरु जी। जी मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा बताओ। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी मतलब एक कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं फिर कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। राधे राधे गुरु जी। सब बैठो, थोड़ा पीछे। गुरु जी राधे राधे। राधे, माइक थोड़ा दूर रखो। हाँ आप बताओ। जी मैं सहरसा जिला से हूँ। हाँ। ओ इसी लोक गाथा भगत का मैं गायक हूँ और आज आपको दर्शन पाक मैं बिल्कुल कृतार्थ हो गया हूँ। ठीक है। और मैं सुना हूँ आप बिग बॉस भी गए हैं। देखो बिग बॉस में मैं गया नहीं, ऐसा लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि मैं बिग बॉस में गया। बिग बॉस में जो जाता है ना वो 3 महीने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है। जी है ना। और मैं तो आपको कथा सुना रहा हूँ, मैं तो आपके बीच में हूँ। हाँ मेरे पास बिग बॉस का ऑफर आया बार बार। जी कहा कि आप आ जाओ आ जाओ, मैंने मना किया, मैं नहीं आऊँगा मैं नहीं आऊँगा। अच्छा बिग बॉस ना 3 महीने के लिए वो लोग अंदर करते हैं उस घर में। जी ठीक है। तो मैंने मना किया कि मैं 3 महीने का हिस्सा बनने तो नहीं आऊँगा, 3 महीने का तो टाइम नहीं है। मैंने कहा 1 महीने का भी टाइम नहीं है, मैंने कहा 15 दिन के लिए भी नहीं आऊँगा, 2 दिन के लिए भी नहीं आऊँगा। जब मैंने टोटली मना कर दिया कि मैं आपका बिग बॉस का हिस्सा नहीं बनूँगा, तब उन्होंने कहा कलर्स टीवी वालों ने, बिग बॉस की टीम ने, कि महाराज जी अच्छा एक काम करिए, जो 18 लोग यहाँ अतिथि बन के जा रहे हैं आप उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए, अतिथि बनकर आ जाइए। जी जी। तो अब आप ही बताइए कि मुझे अतिथि बनकर जाना 2 घंटे के लिए सही था या गलत था? अतिथि बन के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। हाँ तो मैं उस 18 की टीम में, जो 18 लोग गए बिग बॉस के अंदर, जी मैं उस टीम में तो नहीं था। जी बोलो हाँ या ना। हाँ मैं उस टीम में तो नहीं था। नहीं थे। जो अतिथि बनकर गया, अच्छा देखो मैं अतिथि बनकर भी क्यों गया उसका भी एक कारण था। कारण ये है, ये बताओ संत को अच्छी ही अच्छी जगह में जाना चाहिए कि बुरी जगह जाकर के भी बुरे लोगों को सही राह पर लाने का प्रयास करना चाहिए? जी नहीं, संतों का यह धर्म है कि जो व्यक्ति बुरे हैं वहाँ पे संत को जाना चाहिए और जो व्यक्ति बुरे हैं उस व्यक्ति को सही राह दिखाना चाहिए। हाँ, तो बिग बॉस में बुरे लोग अधिकांश जो लिविन में रहने वाले हैं, आज के युवा लड़के लड़कियां हैं, मुझे लगा कि मुझे जाकर के इन लड़का लड़कियों को समझाना चाहिए और मैंने उनको सही बात बताई और वहाँ मैंने भगवद गीता भी दी और भगवद गीता के दौरान लाखों करोड़ों लोगों तक ये मैसेज गया कि ये भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमें सबको भगवद गीता पढ़नी चाहिए। तो मैंने वहाँ जाके तो अपने धर्म का ही पक्ष रखा, अपने सनातन का पक्ष रखा। बात सही है कि गलत है? अच्छा मुझे ये बताओ कि संतों को अच्छी ही अच्छी जगह जाना चाहिए? अरे हमारे साधु संत पहले के लोग ना सब जगह जाते थे। कहाँ जाते थे? शराबियों के पास। कई संत तो वैश्याओं के पास जाकर के उन्हें सुधार कर ले आते थे कि तुम गलत हो। और मैं बिग बॉस में नहीं गया, कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं ना कि मैं बिग बॉस में गया। बिग बॉस का कार्यक्रम तो 3 महीने का है, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। तो बिग बॉस में मुझे तो देखो जब न्यूज वाले बुलाते हैं तो मैं न्यूज में चला जाता हूँ, मुझे बिहार वालों ने बुलाया मैं बिहार आ गया। तो बिग बॉस के लोगों ने भी कहा कि आशीर्वाद देने आ जाइए, कुछ अच्छी बातें होंगी। तो उस मंच से राधे राधे जो कभी नहीं बोलते थे उन्होंने भी राधे राधे बोलना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे जाने से यदि भक्ति का प्रचार होता है, धर्म का प्रचार होता है, तो मेरा मानना है कि संतों को वहां जरूर जाना चाहिए। भाई जो सुधरा है उसे क्या सुधारना, सुधार संतों की जरूरत तो वहां है जहां बिगड़ा समाज है, लोग बिगड़े हैं, तो बिगड़े को सुधारने के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा। और मैं वहां का अतिथि बनकर गया, चीफ गेस्ट बनकर के गया, ना कि मैं वहां का हिस्सा बनने गया। अभी बिग बॉस तो अभी भी चल रहा है, जो अंदर थे वो तो अंदर है ही है, मैं तो बाहर आपके सामने बैठा हूँ। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी बिग बॉस में गए, बिग बॉस मैं वहां अतिथि के रूप में
वहाँ केवल 2 घंटे के लिए उनको आशीर्वाद देने के लिए गया जो अंदर जा रहे थे। अब बताओ मेरा जाना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही था। बिल्कुल सही था। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है, गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए।